ट्रेनर्स गाइड से मैं बात कर रहा हूँ। इसी वीडियो में STCW मॉडलर कोर्स ई लर्निंग के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। STCW कोर्सेस में इसको पहले क्या होता था, आपको STC कोर्स बुक करने के बाद कॉलेज में आके सबसे पहले पढ़ना पड़ता था, उसके बाद आगे ना आपको कॉलेज में ही एग्ज़ाम होता था। लेकिन उसके बाद एक सर्कुलर आया वो ऑनलाइन एक्सिट एग्ज़ाम करके, अगेन रिसेंटली एक सर्कुलर आया है वो ट्रेनिंग सर्कुलर 13/2020। वो चीज़ क्या होता है, वो इसमें STC ई लर्निंग एंड उसके बाद आप अगेन कॉलेज में जाके पढ़ने के बाद ऑनलाइन एक्सिट एग्ज़ाम आपको अटेंड करना है। ये दोनों एग्ज़ाम आपको क्लियर करने के बाद आपको जो सर्टिफिकेट जो है जनरेट हो जाएगा। अभी STCW ई लर्निंग प्रोसीजर कैसे कैसे करना है करके मैं आपको धीरे धीरे बता के जाऊंगा, उसी हिसाब से आप करते जाइए। इसी में 6 स्टेप्स होता है। सबसे पहले एनरोलमेंट जो चीज़ होता है आपको रजिस्टर करना है और कुछ नहीं। और जो सेकेंड स्टेप्स जो आता है लॉगिन एंड फोटो वेरिफिकेशन। थर्ड स्टेप्स जो होता है वो ई बुकिंग, टॉपिक्स, स्टडी आवर्स। फोर्थ क्विज होता है। फिफ्थ जो है एडजस्टमेंट टेस्ट एंड लास्टली 6 होता है रिपोर्ट। सबसे पहले स्टेप वन एनरोलमेंट। तो इसमें आपको क्या करना है, डीजी शिपिंग वेबसाइट पे आपको जाना पड़ेगा। जैसे आपने डीजी शिपिंग वेबसाइट में गया उसमें ई लर्निंग करके लास्ट में जो आएगा, तो ई लर्निंग को आपको जैसे टैप करेंगे उसके नीचे आपको मॉडलर कोर्स करके उसके नीचे दिखाई देगा। सो जैसे आपने मॉडल कोर्स को दबाया, उसको क्लिक किया, एक न्यू पेजेस ओपन होगा। सो न्यू पेजेस में एनरोल नाउ ऐसे करके एक कॉर्नर पे एक टेप आएगा, उसको आप दबाइए। जैसे आपने उसको एनरोल नाउ करके दबाया उसमें आपको विंडोज नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कोर्स नेम, ये तीनों उसमें आ जाएगा। सो विंडोज नंबर जो है उसको उसमें आपको आपको विंडोज नंबर क्या है उसका टाइप करना है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ उसको टाइप करना है। उसके नीचे कोर्स नेम करके लिखा होगा, तो उसको कोर्स नेम को आपको जैसे दबाया 23 कोर्स उसमें से आ जाएगा। जैसे 23 कोर्स में आपको कौन सा कोर्स करना है उसका आपको दबाइए, क्लिक कीजिए और वो सिलेक्शन कीजिए। उसके बाद आप सीधा वेरीफाई में जाइए। जैसे आपने वेरीफाई को क्लिक किया एक न्यू पेजेस जो है ओपन होगा। उसी में आपको जो डिटेल जो है, जो सीफेयरर प्रोफाइल में आपका जो डिटेल्स क्या था वही चीज़ आएगा। उसी में आपको सबसे पहले इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होता है उसको आपको ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर, ये दोनों को प्रॉपरली आपको चेक करना है। उसमें सही तो ठीक है, इनकरेक्ट है तो आपको बैकवर्ड में ई गवर्नेंस में जाके लॉगिन करना पड़ेगा। जैसे आपने ई गवर्नेंस लॉगिन किया आपका अपडेट सीफेयरर प्रोफाइल जो है आ जाएगा। उसमें आपका मोबाइल नंबर एंड आपका ईमेल आईडी दोनों को चेंज कीजिए। जैसे आपने चेंज किया उसके बाद सीधा एनरोलमेंट में जाइए, उधर जाके आपको जो आपने चेंज किया उसको प्रॉपर है करके चेक कीजिए, उसके बाद सबमिट कीजिए। जैसे आपने सबमिट किया रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल करके आ जाएगा। उसके बाद आपका ई लर्निंग यूजर नेम पासवर्ड जो है आपको मेल आईडी में चला जाएगा। अभी आपने होम पेजेस जो नीचे लिखा हुआ उसमें क्लिक कीजिए। जैसे आपने क्लिक किया इसके बाद स्टेप 2 लॉगिन एंड वेरिफिकेशन आएगा। तो लॉगिन एंड वेरिफिकेशन में जो उसको पहले आपने जो ईमेल आईडी में भेजा गया था आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड ये दोनों जो है उसमें आ जाएगा, तो उसको दोनों को आप टाइप कीजिए। उसको टाइप करने के बाद उसको साइन इन कीजिए। जैसे आपने साइन इन किया उसके बाद न्यू पेज ओपन हो जाएगा। तो न्यू पेजेस में लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो अलो करके आएगा। जैसे अलो को आपने दबाया दैट इज कैमरा असिस, उसमें कैप्चर फोटो करके नीचे आएगा। उसको आपको चेहरे को मतलब फेस को नज़दीक में लगाते हुए आपको उसको कैप्चर फोटो को क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक किया उसके बाद वेरीफाई फोटो करके आएगा, उसको भी आप क्लिक कीजिए। जैसे वेरीफाई फोटो का आपने क्लिक किया उसको पहले जो आपने दिया था सीफेयरर प्रोफाइल में उसको वो चेक करके ऑटोमेटिकली वो लॉगिन में चला जाएगा। नेक्स्ट जो होगा स्टेप 3। स्टेप 3 में ई बुक, टॉपिक्स एंड स्टडी आवर्स। इसमें जो आपको टॉपिक्स कौन से सब्जेक्ट में आपको पढ़ना है उसी को टॉपिक को सिलेक्शन करना है। उसमें सब टॉपिक्स भी होता है, उसको आपको स्टार्ट करके पढ़ते जाओगे। उसमें जो आपको प्रोग्रेस बार में 100 तक मतलब 0 से स्टार्ट करके 100 तक आएगा, तो उसे से 100 तक पहुंच गया ऑटोमेटिकली आपको जो टॉपिक्स जो है एक्सेस में हो जाएगा। एग्जाम्पल EFA 9 आवर्स, FPF 9 आवर्स, PST 6 आवर्स,
TSSR 12 hours, SD, SD, SD 6 hours. इस हिसाब से आपने ज़रूरी पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको प्रोग्रेस बार जो है 100% आएगा। स्टेप 4 क्विज, इसमें जो सारे टॉपिक में आप ओपन कीजिए, उसमें जाके आप पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद उसमें जो प्रोग्रेस बार जो है 100 तक आ जाएगा। आने के बाद आप आराम से क्विज में जाइए, उसमें जाके एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस कीजिए। स्टेप 5 असेसमेंट, असेसमेंट जो है बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। इसमें सारे टॉपिक आपने कवर करने के बाद आप इसमें असेसमेंट में जाना पड़ेगा। असेसमेंट में असेसमेंट ड्यू डेट और क्लिक टू ओपन असेसमेंट करके होता है, उसमें असेसमेंट ड्यू डेट उसके अंदर आपको एग्ज़ाम पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, और क्लिक टू ओपन असेसमेंट में आप जाओगे उसके अंदर 30 क्वेश्चन आ जाएगा, वो जो है चूज़ दी बेस्ट आंसर। वो चूज़ दी बेस्ट आंसर उसमें आपने 50% आपने क्लियर करना पड़ेगा, तभी पास हो सकते हैं। तो उसमें आपने क्लियर नहीं कर पाया, फेल हो गया, तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें 3 अटेम्प्ट कर सकते हैं। वो 3 अटेम्प्ट भी उसी ड्यू डेट के अंदर करना पड़ेगा। 6 जो है रिपोर्ट, रिपोर्ट में जो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ई लर्निंग में जो चीज़ आपने किया था वो सारे चीज़ जो है इसके अंदर आ जाएगा। इसके बाद मरीन इंस्टीट्यूट में जाइए, STCW कोर्स का अप्लाई कीजिए।